अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सबीर कायम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं स्पेशली नर्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीएससी नर्सिंग यानी डिग्री हो, उनके लिए स्पेशली है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखें या अपने जो फ्रेंड हैं या फिर कोई रिलेटिव है उन तक पहुँचाए। दोस्तों, जो 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 भी नर्स हैं वो अगर सऊदी आना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ और इंशाल्लाह मैं इस मामले में हेल्प भी करूँगा। शॉर्ट तरीका इसमें है कि नर्स के लिए क्या कि स्पेशली सऊदी के अंदर क्या होता है कि आपको डाटा फ्लो प्रोसेस करनी है और उसकी वैकेंसी बहुत आती है। अभी प्रेजेंट के अंदर भी मेरे पास वैकेंसी, अगर कोई डाटा फ्लो जिसका कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसका सिलेक्शन करवा दूंगा। तो नर्स अगर सऊदी आना चाहता है तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि डाटा फ्लो प्रोसेस कंप्लीट करिए और आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, फिर आपका इजीली जॉब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद आप सऊदी आ जाइए और सऊदी के अंदर आके यहाँ आगे की प्रोसेस करिए आप। उसके बाद आप हमारी आईडी क्रिएट करिए, एलिजिबिलिटी में ले लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम बुक करिए और इधर ही आप एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ वगैरह निकलती है तो उनको बायोमेट्रिक कंप्लीट वाले बंदे नहीं मिलते हैं, तो फिर होता क्या है कि वो सिर्फ डाटा फ्लो की प्रोसेस कंप्लीट करके और उनको यहाँ आने के बाद में टाइम दिया जाता है 6 से 8 महीने, किसी को 3 महीने, तो यहाँ के वो जॉब जॉब अपना जॉब करता रहे और जॉब के साथ साथ स्टडी करता रहे और 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद वो ईज़िली एग्ज़ाम दे सकता है। इससे क्या कि फाइनेंशियली भी ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं, ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको डाटा फ्लो की प्रोसेस करनी है जिसकी लगभग 25 से 30 हज़ार उसकी फ़ीस होती है, उससे आप डाटा फ्लो प्रोसेस करिए और मेरे से संपर्क करिए। नहीं इंशाल्लाह आपको लगे कि आप इंडिया के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो तो वहाँ जो एजेंसीज़ वगैरह होती हैं वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं भी हेल्प करूँगा। मैं स्पेशली इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन बंदों की हेल्प इंशाल्लाह डेफिनेटली करूँगा और पाकिस्तान वाले बंदों को भी मैं इंशाल्लाह उसकी भी हेल्प करूँगा। अपना उसके पीछे ये है कि मुझे पाकिस्तान का आइडिया नहीं कि उनकी वैकेंसी कहाँ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ मेरे बंदे हैं, दोस्त हैं या यहाँ से मैं ट्राई करूँगा। तो कोई भी बंदे चाहे इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो मेरे से संपर्क कर सकता है जो बीएससी नर्सिंग है और जीएनएम है। और इसके अलावा अगर कोई फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट के अलावा डेंटल या मेडिकल प्रोफेशनल जितने भी हैं वो भी मेरे से करके हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनके डाटा फ्लो कंप्लीट है और उसके बाद प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम कंप्लीट है और उनके टोटल डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो वो भी इंशाल्लाह मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। लाइक उसने डाटा फ्लो कंप्लीट कर लिया, फिर प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम सऊदी के लिए दे ली, ठीक है ना, या फिर यूए के लिए डीएचए दे ली, हा दे ली, एमएस दे ली, यानी जितनी भी एग्ज़ाम दे ली। मैं स्पेशली सऊदी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सऊदी के अंदर हूँ, तो यहाँ क्या कि मैं हर तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। मुझे यहाँ की यहाँ का आइडिया भी है कि कहाँ कौन सी वैकेंसी निकल रही है, कुछ एजेंसीज वगैरह मेरे टच में है, कुछ मेरे फ्रेंड है वो मेरे टच में है, तो ये इन्फॉर्मेशन सऊदी की मेरे पास आती रहती है। इसके अलावा अगर कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कोई डीएचए जिसने कंप्लीट किया या मच आद भी किया है, उनके मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट है, एग्ज़ाम कंप्लीट है और कोई प्रकार का उसके अंदर दिक्कत नहीं है, तो वही बंदा मेरे से मतलब संपर्क कर सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उनकी भी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। और स्पेशली मैं ये वीडियो नर्स के लिए बनाया हूँ कि नर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। और यहाँ मैंने 3 लड़कों को सिलेक्शन करवाया है, 2 यहाँ आ गए हैं ड्यूटी कर रहे हैं, 2 एक लड़के को लगभग 1.5 साल हो गया, 1 लड़के को लगभग 6 महीने हुए हैं, और 3rd लड़का उसका वीज़ा भी स्टम्पिंग हो गया इंशाल्लाह और उसके भी जल्दी टिकट होने वाली है। तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम है, उनका शॉर्ट तरीका ये है कि डाटा फ्लो कंप्लीट करिए, जॉब के लिए अप्लाई करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा डाटा फ्लो बेस पर, आपके एक्सपीरियंस बेस पे, और उसके बाद आपका वीज़ा स्टम्पिंग हो जाएगा और आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट होकर आप सऊदी आइए। ये आने के बाद में आप स्टडी स्टार्ट करिए और स्टडी के साथ साथ आप क्या करिए, जॉब करते रहिए, ठीक है ना। और जो पैसे आप लगा के आए हों यानी किसी एजेंसी के थ्रू आए तो उनको भी आपने पेमेंट पे किया होगा, डाटा फ्लो का भी प्रोसेस है वो भी आपको पे करना होगा, तो वो जो पे किया है वो भी कवर हो जाएगा और उसके बाद में इजीली आप यहाँ के एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो फाइनेंशियली भी दिक्कत होने वाली नहीं है, पैसों का भी नुकसान होने वाला नहीं है और जॉब प्रायोरिटी आपको जॉब का ऑफर वो आपको पहले मिल रहा है।
तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है यानी नर्स के अंदर डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है ना। इनकी वैकेंसीज़ वगैरह भी करंट के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। रोज़ाना वैकेंसीज़ इंडिया जा रही है, पाकिस्तान जा रही है, ठीक है। तो वो स्पेशली मेरे से संपर्क कर सकता है दोस्तों, और वापस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि व्यू बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जैसे इधर से वीडियो को अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच